नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं वेलकम टू गैजेट्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने मोटो G5S Plus का अनबॉक्सिंग किया है और मेरे पास जो ये फ़ोन है ये 4GB रैम और 64GB वेरिएंट का फ़ोन है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा मोटो G5S Plus और सबसे पहले हम आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देते हैं। ये आप यहाँ देख रहे हैं, स्पेशल एडिशन लिनोवो के द्वारा दिया गया है और इसके पीछे सबसे पहले हम आपको इसके स्पेसिफिकेशंस बताते हैं। यह 2.0 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 13 मेगापिक्सल का डुअल रेयर कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। इसमें 2.5D गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है और 3000 mAh की बैटरी है। साथ में इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है और ये क्विक चार्ज को भी सपोर्ट करता है क्योंकि ये फास्ट चार्जर के साथ दिया गया है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 13 मेगापिक्सल का डुअल रेयर कैमरा है, 3000 mAh की बैटरी है, टर्बो पावर के साथ और 14 सेंटीमीटर की फुल HD डिस्प्ले है। 2.0 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और आप इसको अलग से मेमोरी कार्ड ला के इसके स्टोरेज को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ओके, तो हम अपने इस फ़ोन को बाद में डिटेल्स इसका बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले मैं इसको साइड में रख लेता हूं और आपको बता रहा हूं कि इस बॉक्स में हमें इसके साथ साथ और क्या मिलेगा। तो साथ में कुछ रीडमी करके इसका यूज़र गाइड है, खैर इसको हम बाद में देखते हैं। और इसके साथ इस फ़ोन के कुछ डिटेल्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए कोई काम का नहीं है। फ़ोन के साथ में आपको एक मिल जाएगा एक ऑर्डिनरी मोटो का हेडफोन जो शायद मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं है, फिर भी ये काम चलने लायक तो है ही। और आपको मिल जा रहा है एक USB पावर केबल और साथ में एक एडेप्टर, और एडेप्टर के पीछे तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये फास्ट चार्जर है या नहीं है। यहाँ पे 5V 3A का आउटपुट वोल्टेज मिल जा रहा है आपको, जिसके कारण ये एक फास्ट चार्जर है और ये फ़ोन को आपको तेज़ी में चार्ज कर सकता है। साथ में आपको एक सिम इजेक्ट टूल दिया गया है जिसके सहायता से आप इस फ़ोन के सिम कार्ड को निकाल सकते हैं, दोबारा उसे इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस बॉक्स में हमें कुछ नहीं मिला है तो ये बिल्कुल कंप्लीट है और इससे का कोई मतलब नहीं है। खैर हम इन चीज़ों को रख लेते हैं हम साइड में और सबसे पहले आते हैं अपने इस फ़ोन के मेन यूनिट की तरफ। सबसे पहले मैं इसका ऊपर का रैपर को हटा देता हूँ। सामने आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाएगा जिसके साथ एक आपको फ्लैश भी दिया जा रहा है और सामने की तरह आपको मिल जाएगा एक स्पीकर और ये आपको एक सेंसर दिया गया है। नीचे की तरह आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा और इसमें कोई आपको बटन तो मुझे नहीं दिख रहा है, फिलहाल ऑन करने के बाद देखते हैं इसको क्या है इसके नीचे इसका बटन वगैरह। साथ आपको वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन बटन मिल जाते हैं और टॉप साइड में आप देख सकते हैं ये 3.5 mm का एक ऑडियो जैक दिया गया है और उसके अलावा ऊपर में कुछ नहीं है। नीचे की तरफ हम आते हैं, देखते हैं नीचे में एक USB चार्जर दिया गया, एक माइक दिया गया और साथ में आपको एक सिंगल स्पीकर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि फ़ोन के लेफ्ट साइड में आपको एक सिम ट्रे मिल जाएगा जहाँ से आप सिम को इंसर्ट कर सकते हैं, दोबारा इंसर्ट कर सकते हैं। पीछे की तरफ इसके फ़ोन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका हाईलाइट है, इसका डुअल कैमरा है, डुअल टोन फ्लैश के साथ अवेलेबल है। इसमें एक कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा आपको एक मोनो सेंसर है जो इमेज की डेप्थ लेने में आपकी मदद करता है। चलिए हम सबसे पहले इस फ़ोन के पावर को ऑन कर लेते हैं। तो हमारा ये फ़ोन ऑन हो गया है। हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने फ़ोन के स्क्रीन पे ले आया हूँ और मैं हम चलते हैं सबसे पहले सेटिंग की ओर। मैं यहाँ सेटिंग खोल कर चेक कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि ये एंड्रॉयड का 7.1.1 एंड्रॉयड का नूगट है और आपको इसके जो सिक्योरिटी पैस लेवल मिल जाते हैं वो June 1, 2017 के मिल जाते हैं, मतलब कि हम लोग उम्मीद कर पाएंगे कि इसमें एंड्रॉयड का ओ वर्ज़न भी आ सकता है।
फिर हम लोग चेक करते हैं इस फ़ोन के जो भी हार्डवेयर है उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो हम चलते हैं और देखते हैं हमारे पास इस वेरियंट में रैम 64 GB है, रोम 64 GB है, इसका डिस्प्ले 1920x1080 पिक्सल्स है और इस फोन का फ्रंट कैमरा 8 MP, रेयर 13 MP का डुअल कैमरा है। सबसे पहले मैं आपको चलता हूँ फ़ोन के स्टोरेज में लेकर के आपको, ताकि मैं दिखा पाऊँ कि अभी जो हमारे पास स्टोरेज है वो कितने हैं। सबसे पहले मैं फ़ोन के स्टोरेज में आता हूँ और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 12.19 GB यूज्ड हो चुका है 64 GB में से। फ़ोन के रैम मैनेजमेंट की तरफ आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3.6 GB टोटल मेमोरी अवेलेबल है, जिसमें से अभी 1.2 GB रैम यूज्ड हो चुका है और लगभग 2.4 GB रैम फ्री है। मतलब ये फ़ोन गेमिंग के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। इसका फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है और मैं इस फ़ोन का एक स्पेशल रिव्यू, जिसमें कि आपको इसके कैमरा के बारे में कंप्लीट डिटेल्स होगा और इसे गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा, फिर मैं इसके कैमरे को कंपेयर करूंगा मोटो के किसी और एक्सप्लेस है या जेड प्लेस से किसी से भी, फिर मैं आपको वो वीडियो ला के दूंगा ताकि आप डिटरमाइन करें कि आप कर पाएँ कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल वेलकम टू गैजेट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को इनेबल कर लें, ताकि जब भी कोई मेरी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।